हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड थोड़ा सा आलस आ रहा था वीडियो एडिटिंग करने में, और ये मेरा वीडियो आप लोग को बता दे रही हूँ, बहुत ही पुराना वीडियो है। जब मेरे यहाँ प्रोग्राम था उसके बाद की क्लिप है, तो मैं बहुत दिन दिन के बाद ऐड कर पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट वगैरह कट कट करने आई हूँ, और पनीर है तो पनीर अभी कट करके दूंगी। तो सबका अलग अलग ही ब्रेकफास्ट आजकल हो रहा है, क्योंकि प्रोग्राम के बाद से ना, कहते हैं ना, थकान सी थोड़ी हो जाती है, और इतना ज़्यादा जिसके जो मन में आता है वो लेके चला आता है। तो यही सब होता है मायके में तो। और मम्मी भी मेरी यहाँ ट्राई करती रहती हैं कुछ ना कुछ। पता नहीं मम्मी की आदत क्या है, मम्मी आनाकानी नहीं करती किसी चीज़ में। मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना, जो उनको मिल जाता है वो खा लेती हैं। खाने को लेके कभी परेशान नहीं करती किसी को, हाँ। और ऐसा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पनीर में काला नमक, जो टेस्टी नमक होता है, वो डाल दे रही हूँ, और फ्रूट वगैरह कट कर दे रही हूँ। जिसको जो खाना होगा वो खा लेगा, और सुबह सुबह का टाइम यही होता है तो अपना आराम से। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मीठी वाली जो बूंदी होती है ना, काफ़ी सारे लोग जानते होंगे जो पश्चिम साइड से या फिर या पूरब साइड के लोग हैं, तो वो जानते होंगे मीठी बूंदी, सारे लोग जानते हैं। तो बाल्टी में भर के रख दी थी, बहुत सारी है, पूरी बाल्टी भरी हुई है। तो मैं ये भी ले जा रही हूँ साथ में खाने के लिए अभी। तो हम दोनों मियाँ बीवी गए, यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट, हो चुका था दोबारा मैं राउंड ब्रेकफास्ट, दोबारा ब्रेकफास्ट हो रहा है, एक बार हो चुका था। और यहाँ पे इनके लिए पनीर कट कर दिया था, एनी को ड्राई फ्रूट दे दिए थे और कुछ फ्रूट वगैरह दे दिए थे। तो वो खाती पीती नहीं है, बट कोशिश करती है उसको हर चीज़ देने की, शायद वो खा ले। और यहाँ हम लोगों को कुछ डिस्कशन चल रहा था किसी बात को लेके, और क्योंकि अभी शाम तक सोच रही हूँ कहीं निकलना होगा, तो ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा जो भी मेरे चैनल पर न्यू विजिट करें। तो मैं यहाँ पे मीठी बूंदी खा रही हूँ, और मीठी बूंदी अच्छी लगती है, किस किस को अच्छी लगती है बताना ज़रूर। और हम लोगों के यहाँ कोई भी, मतलब कहते हैं ना, भंडारा वगैरह कुछ भी होता है ना, तो मीठी बूंदी ज़रूर बनती है, तो एक्स्ट्रा में लेके बनाई जाती है, तो सब लोगों के यहाँ दी भी जाती है, बांधी जाती है। तो सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला, तो ये शाम का टाइम है। तो पूरा दिन तो आज पनीर ही पनीर खाया गया हमारे यहाँ। वैसे मेरे को पनीर पसंद नहीं है, लेकिन अब जब आ गया तो खाया ही जाएगा। यहाँ पे पनीर की पकौड़ियाँ मेरी सिस्टर ने बनाई हुई थी, तो हम लोग वही खा रहे हैं। तो अभी मैंने आप लोगों से, फ्रेंड से बात नहीं करी है, तो अभी मैं खा पी के आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँगी, फिर उसके बाद मैं निकलती हूँ, मुझे जहाँ जाना है आज। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग, सॉरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना टाइम फिर से स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और घर से ज़्यादा बाहर मत निकलिएगा। निकलना है तो प्रोटेक्शन के साथ में अपना निकलो, मास्क यूज़ करो, सैनिटाइज करो, और बाहर की चीज़ें भी खाओ, तो हेल्दी वेल्दी चीज़ें खाओ। और कभी कभार मन हो फास्ट फूड खाने का तो वो भी खा लो, बट ज़्यादा नहीं खाओ, नॉर्मल कंट्रोल। क्या भी यार, पिछली साल भी यही निकल गया है ना, इस साल भी यही हो गया, ठीक है ना। तो फिर बहुत ज़्यादा यार, इंसान कहाँ तक यार बर्दाश्त करे, परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो आपका बेलगा में मेरी यूट्यूब चैनल, सपोर्ट कर दीजिएगा। अलग होने वाला है, मैं बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाने वाली हूँ, और फुल वॉच कीजिएगा वीडियो देखने के पहले। अगर जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल पे यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, और लाइक से सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना, कॉमेंट जरूर किया करो। कॉमेंट अगर नहीं किया तो प्लीज यार कॉमेंट कर दिया करो। और मैं अभी बस जा रही हूँ कहीं के लिए, मुझे रेडी होना है, निकलना है, और किसी के साथ मुझे मिलना है जाके। और ही गए ओके ओके, तो चलो अभी चलते हैं, रेडी वेडी होंगे और रास्ते में ही वीडियो शूट करेंगे। और एक्चुअली आज शाम के टाइम में प्लान था, कल इतना थकान हो गया था, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, कल थोड़ा सा थकान हो गया था, और इस वजह से आज पूरा दिन चला गया, वीडियो शूट ज़्यादा नहीं किया था। तो फिर मैंने कहा चलो आज अभी जा रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेते हैं, और थोड़ी बहुत क्लिप आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी, ठीक है। तो चलो ले,
और बढ़िया सी जगह पे हैं, तो प्लीज फुल वॉच कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, जरूर लाइक कर देना। तो चलो चलते हैं। ये देखो जे अच्छा है, स्क्रैचेस लग रहे हैं। हाँ स्क्रैचेस ना, वो सच में लग रहा है। नहीं एक और है वो, और है वो भी देख लो ना। अच्छा है पापा तो जबरदस्ती लग रहा है, वाइट अच्छा लग रहा है। हाँ तो मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि मैं कहाँ पे आई थी, आप लोग कंफ्यूज होंगे। मैं आई हूँ प्रदर्शनी देखने, जो मेला वगैरह लगता है, और अपनी फ्रेंड के साथ में आई थी, उसको बुला लिया था। तो अभी जस्ट हम लोग बहुत सारा इन्जॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी इन्जॉय कीजिए। ये हैं पापा हैं, झूलो झूलो झूलो, पापा हैं। क्या हो गया पापा है ना? कच्चे दिल की क्या हुआ? क्या हुआ नहीं है? कह रही पापा मैं नहीं झूलूंगी। क्या हो गया? हेलो एवरीवन, ये देखिए ऑरिकेंस कंपनी का आज मैं एक प्रोडक्ट आप लोगों के लिए फिर से लेके आई हूँ। प्रो नेचुरल प्रीमियम नीम ऑयल हेयर ऑन स्किन, और ये है नीम का ऑयल जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आप सभी लोगों के लिए, और हेयर के लिए भी है और स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। और ये है 100 ml का, मेड इन इंडिया। तो नीम के बारे में आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने सुना ही होगा कि नीम कितनी एंटीबायोटिक होती है, बहुत ही आयुर्वेदिक औषधि है, हर किसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी करती है। इससे फंगल इन्फेक्शन होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सर में किसी के जूं पड़ जाते हैं, किसी के रैसेस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ता है। तो नीम का ऑयल लगाने से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को 100% मिल जाएगा। तो इसमें आप लोगों को मैं रेट यहाँ पे मेंशन करके बता दे रही हूँ, 447 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आयुर्वेदिक है ये, प्योर एंड नेचुरल है। इंग्रीड इसमें देखिए क्या क्या है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ यहाँ पे कर दे रही हूँ। और बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये प्रोडक्ट आज से नहीं, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों ने मेरे रिव्यू में देखा होगा, ज़्यादातर मैं इसी प्रोडक्ट के बहुत सारे, कोई भी होता है ना फेस पैक हुआ या फिर किसी से मतलब फेस से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होता है तो मैं सारे यही यूज़ करती हूँ। और आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है ये यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन करी हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे क्या करना है। और पहले एक आध दो बार वीडियो मैंने बताया भी है, इसका फेस पैक भी मेरे पास, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को परचेज करना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, नीम ऑयल का पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, तो आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। और यहां पे नीम ऑयल के बेनिफिट्स भी आप लोगों को सारे दिए हुए हैं, और देख सकते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बेनिफिट आप लोग देख लीजिए। हेयर को कैसे मॉइस्चराइज करता है और ग्रो करने में कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, और बहुत ही आसान तरीके से ग्रो करने लगता है। कोई भी चीज़ है परमानेंट रेगुलरली आप लोग यूज़ करोगे तो हर चीज़ पे अच्छा असर डालता है। इंसेंट आप सब देख सकते हैं, स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। रिंकल्स वगैरह हो जाते हैं, स्ट्रेस मार्क्स वगैरह जो पड़ जाते हैं लोगों को, अगर ये आप लोग ये यूज़ करोगे तो उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। एंड आई होप आप लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये आयुर्वेदिक है एंड फॉर हेयर।
देख सकते हैं स्काल्प में कैसे करके आप लोग, स्काल्प में जो भी डैंड्रफ वगैरह हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, दो मुंह में बाल हो जाते हैं, लाइस का प्रॉब्लम मैंने आप लोग को बताया, लीस जो लीक वगैरह हो जाती हैं, जू पड़ जाते हैं बालों में, उन सब चीज़ों के लिए है। एंड ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा हाइड्रेट्स करता है आपके हेयर एंड स्किन को। और जैसे कहते हैं ना, पुराने मैंने सुना होगा, नीम पीस लो, चेहरे पे लगा लो, इससे ना दाने वगैरह ना वो चले जाएंगे। कहीं पे पैर में चोट लग गई है, नीम है, नीम का कुछ भी मतलब लेप लगा लो, उससे बेनिफिट मिल जाएगा। तो जब आप लोगों को इतना बढ़िया पैक, इतना बढ़िया ऑयल आप लोगों को मिल रहा है, तो फिर आप लोगों को यहाँ वहाँ कोई भी चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये एक बार, मैं हाईली रिकमेंडेड, ये एक्चुअली होता है, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं परचेज करके, और मुझे बहुत फ़ायदा करा है। और यहाँ पे मैं पहले खुद उस चीज़ का रिव्यू अपने ऊपर करती हूँ, तब आप लोगों को उसका देती हूँ। पिंपल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है, कैसे करना है इसमें भी दिया गया है। टेक 2 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल ऑन पाल्म एंड डैप ऑन दी पिंपल्स एंड लीव इट फॉर 10 मिनट्स, रिंस विद वाटर यूजिंग ए मिल्ड फेस वॉश या क्लींजर, डू नेक्स्ट पैच फॉर 1 डे टू सी द इफेक्ट ऑन एनिक प्रोन फेशियल स्किन। तो ये सब कुछ दिया गया है कैसे कैसे आप लोग को करना है, और हेयर पे देख सकते हैं कैसे क्या करना है। और हेयर का मैं आप लोगों को यहाँ पे मसाज करके नहीं इसलिए दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार आप लोगों को मसाज दिखा चुकी हूँ, और काफ़ी लोग जानते भी हैं हेयर पे मसाज कैसे करनी है, कैसे रखनी है। अगर चाहें तो रात में आप लोग कोई भी ऑयल होता है रात में लगा के छोड़ दो, और मॉर्निंग में कोई भी अदर शैम्पू आप जो भी यूज़ करते हैं उससे आप लोग अपना वॉश कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप वॉश करने वाले तो उसके 1-2 घंटे पहले अच्छे से मसाज ले लें, तो बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा। तो प्योर एंड नेचुरल है, तो मैं अपने वालों पे इस टाइम ये यूज कर रही हूँ, तो आप लोग ये जरूर ट्राई कीजिएगा। मैंगो है ना, निकाल दो और निकलवाओ। हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, ये देखो इसके बाद खाएंगे क्या, मोमो ऑर्डर कर दिया। तो मेरी फ्रेंड यहाँ पे जा रही है, और हम सब लोगों ने अपने अपने हिसाब का अलग अलग आइटम मंगाया था खाने के लिए, तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किए, बहुत सारी क्लिप ली थी, ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं किए क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता। बस घर आ गए हैं, घर आके बस पता है क्या करना पड़ता है, ससुराल में खाना बनाना पड़ता है, यहाँ पे खाना बना बनाया मिल जाता है। तो हम हस्बैंड वाइफ मिलकर खाना खा रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, आपके लिए अगर ज़रा सा भी हेल्पफुल हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और बहुत ही धमाकेदार ब्लॉग होंगे, अच्छे होंगे, मैं कोशिश करूँगी मैं डेली आप लोगों से साथ धमाकेदार वीडियो लाऊँ। सो बाय, टेक केयर गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम। सो बाय, टेक केयर।